माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। बबुआ 12 बजे सो के उड़ता था। तो जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री। एक चुनावी जंग और एक जुबानी जंग। राजनीति में दो तरह की जंग होती है और आजकल यूपी में दोनों तरह की जंग तेज हो चली है। एक तरफ 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव और उसको देखते हुए नेताओं के वार पलटवार। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच की तल्खी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, तो वहीं अखिलेश यादव आए दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमले बोल रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण आज ही मिला जब अयोध्या के मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को निशाना बनाया, तो दूसरी तरफ लखनऊ में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर पलटवार कर दिया। समाजवादी पार्टी के भूमाफिया और गुंडा ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। तो जब गुड़गांव से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। अच्छा आप बताओ, नहीं नहीं आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। मुख्यमंत्री अयोध्या में थे तो बात अयोध्या की होगी, लेकिन जैसे ही अयोध्या की जमीनों का सीएम ने जिक्र किया वैसे ही अखिलेश ने भी जवाब पेश कर दिया। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है, तो अयोध्या के दीपोत्सव से जिनको परेशानी होती थी उनको तो परेशानी होगी कि अयोध्या कैसे सुंदर हो गई है, क्योंकि इनको तो वो विवादित ढांचा प्यारा था जिसको राम भक्तों ने नेस्तनाबूत करने का काम कर दिया था। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे, राम भक्तों के खून से जिनके हाथ सने हुए हो, अयोध्या की चर्चा जब ये करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी की सरकार जब चली जाएगी और इस बार जाएगी चुनाव में, अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अयोध्या कैसे वर्ल्ड क्लास सिटी बने जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और आपने हम समाजवादियों का काम भी देखा है और मुख्यमंत्री जी तो बहुत ज़्यादा काम देख रहे होंगे। अखिलेश यादव के मठाधीश वाले बयान को लेकर भी यूपी में राजनीति तेज है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर खुश चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को माफिया कहते हैं, और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे। इधर मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट कुछ अलग तरह से आ रहे हैं। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है वो। और ये एक दिन से नहीं हुआ है, जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। बात यही खत्म नहीं हुई, अब जंग भस्मासुर तक पहुंच गई। अब यूपी के अंदर ये तो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है, कभी नहीं किया है, कभी नहीं किया है। बहन और भाइयों, इन लोगों को जब भी
जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। इस तरह के एक से एक तीर हैं जो दोनों नेता अपनी तरकश से निकाल के एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं। अब देखना होगा कि ज्यादा असरदार कौन साबित होता है और जनता किस पर विश्वास करती है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है और तब ये हाल है। ऐसे में जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा तब संभावना ये है कि ये हमले और ज़्यादा तेज़ हो सकते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।